सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। एमपी के उमरिया जिले में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाई गई 2000 बोरा धान पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे चंदिया इलाके के अखडार और ओबरा गांव में पकड़ा है। कलेक्टर की दबिश में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो धान में मुनाफाखोरी के पनप रहे अवैध कारोबार की ओर इशारा करता है। जब्त की गई धान उत्तर प्रदेश और बिहार की बताई जा रही है, जिसे धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने की योजना थी। हैरानी की बात तो ये है कि पकड़े गए ज्यादातर ठिकाने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और खुद सहकारी समिति के प्रबंधक समेत आधा दर्जन उन रसूखदारों के हैं, जिनका धान में उपार्जन में दबदबा रहता है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की माने तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है, जो कि कम कीमत में धान खरीद कर जिले के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने और ज्यादा मुनाफा कमाने का धंधा चलाते थे। बताया गया कि अगर सही तरीके से पड़ताल हुई तो जिले के ज्यादातर उपार्जन केंद्रों में चल रहे इस मुनाफाखोरी के धंधे की असलियत सामने आ जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। वहीं जब्त की गई धान को उपार्जन केंद्र में बिक्री करने पर रोक लगा दी है। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि अखड़ार और ओबरा गांव में बाहर से धान लाकर उपार्जन में खपाए जाने की तैयारी है। इस पर कुछ जगहों की आकस्मिक निरीक्षण किया गया और वहां पर ऐसी धान पाई गई जिनके बारे में पूर्ण शंका है कि ये बाहर से लाई गई है, अतः इन्हें जब्त कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से राजकुमार गौतम, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन सागर। हमारा नंबर है 9893406953।